सर नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम जैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है ना, तो अगर LHS में नॉन प्राइम के साथ कुछ प्राइम एट्रीब्यूट्स ऐड कर दे और राइट हैंड साइड में अभी भी नॉन प्राइम है, तो उसको भी ट्रांजिटिव में लेंगे क्या? LHS में नॉन प्राइम के साथ प्राइम कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम एंड नॉन प्राइम, और राइट हैंड साइड में सिर्फ नॉन प्राइम है। ऐसा कब होगा? सर मतलब जैसे ए बी अगर प्राइम एट्रीब्यूट्स है और सी और डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि ए सी डिटरमाइंस डी, एक मिनट रुक जाओ। अब बोलो। ए बी प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं ए बी प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, और सी डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। सी डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, हाँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए सी डिटरमाइंस डी ए सी डिटरमाइंस डी डी, हाँ ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें अगर ए बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो ए बी की, प्राइम है। हाँ तो की ए बी चलेगी, हाँ, ए बी की है। हाँ ए बी की है ना, कि ए की और बी की दोनों है, दो नहीं, ए बी पॉसिबिलिटी की है, है, ठीक है। ए ए बी बी की को अगर है, की ले लेते हैं। हाँ ए बी अगर की है तो हम लिख सकते हैं ए बी डिटरमाइन सी एंड ए बी डिटरमाइंस डी, डिटरमाइंस डी। ठीक है। और हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी डिटरमाइंस डी, क्लियर है। तो अब ए बी डिटरमाइन सी है और ए सी डिटरमाइंस डी है, तो सी की जगह मैं ए बी पुट कर सकता हूँ, सी ये की हो जगह जाएगा ए ए बी। बी हाँ डिटरमाइंस डी, हाँ ठीक है। मतलब डी जो है अभी भी ट्रांजिटिवली की पे डिपेंडेंट कर रहा है, ये भी मेरा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अच्छा, ट्रांजिटिव में ही आएगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, कि अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली की पे डिपेंडेंट है तो अच्छा, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और सर ए और बी अलग अलग की होता तो फिर कैसे? तो ए भी अगर ए और अच्छा। बी अलग अलग की होता, ठीक है, तो वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। चलिए, अब मेरे पास की ए है और की बी है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ए डिटरमाइंस सी डी, बी डिटरमाइंस सी डी और ए सी डिटरमाइंस डी लिखा हूं मैं, है ना, हाँ ठीक है। अब अगेन ए डिटरमाइन सी मिल रहा है तो ये हो जाएगा ए डिटरमाइंस डी, क्लियर है। दैट मींस डी इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की, सी इज एन एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट, ना तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है ना ये ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है, ये फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है। अच्छा ठीक है सर। क्लियर है। यस सर। कहाँ से स्टार्ट करें? चलिए, स्लाइड दिख रही है सबको? यस सर। तो ये देखिए, ये टॉपिक मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, जॉइंट डिपेंडेंसी, ठीक है। जॉइंट डिपेंडेंसी में ये आखिरी के दो रोज थे, मैंने हटा दिए थे, ठीक है, वो मेरे ओमिट हो गए थे गलती से, ठीक है। अगर आप देखें, अगर इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये 7 रोज मिलेंगी ना, आखिरी की 2 रोज मेरे से गलती से छूट गई थी, ठीक है। और
इसी के अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखें कि मैंने यहाँ जो हिप की डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन तो मेरी सही थी लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में लिखा था वो भी एक्सप्लेनेशन गलत था जो मैंने कल पढ़ाया। मैंने क्या बताया था कि एस नेम पार्ट नेम मेरा कैंडिडेट सुपर की है, पार्ट नेम प्रोजेक्ट नेम सुपर की है और एस नेम प्रोजेक्ट नेम सुपर की है। जबकि आप इसमें देखें तो तीनों कॉम्बिनेशन ही मेरा सुपर की है। ठीक है, अगर मैं एस नेम पार्ट नेम कॉम्बिनेशन को ट्रैक करूं तो कुमार बोल्ट रिपीट कर रहा है, दैट मींस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा सुपर की नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं एस नेम और प्रोजेक्ट नेम को कॉम्बिनेशन को ट्रैक करूं तो कुमार प्रोजेक्ट एक्स नहीं है लेकिन कुमार प्रोजेक्ट वाई रिपीट कर रहा है, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन में मेरा सुपर की नहीं है। उसके बाद मैं थर्ड कॉम्बिनेशन ट्रैक कर रहा हूं, थर्ड कॉम्बिनेशन इज पार्ट नेम प्रोजेक्ट नेम, तो बोल्ट प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, ये भी दो रो मेरी क्या हो रही है, रिपीट कर रही है, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन में रिपीट कर रहा है तो ये भी मेरा क्या है, सुपर की नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं तीनों के कॉम्बिनेशन को ट्रैक करूं कि एस नेम पार्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, तो तीनों कॉम्बिनेशन मेरा जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स सुपर की क्या हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ एस नेम पार्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। क्लियर है? और मेरे पास एक जॉइंट डिपेंडेंसी है जेडी ऑफ R1 R2 R3, जिसमें R1 में क्या है एस नेम पार्ट नेम, R2 में एस नेम प्रोजेक्ट नेम, R3 में है पार्ट नेम प्रोजेक्ट नेम। जब मैं इन तीनों को नेचुरल ज्वाइन करता हूं, R1 नेचुरल ज्वाइन, R2 नेचुरल ज्वाइन, R3, तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिल जा रहा है। ये मिल जा रहा है मतलब इसमें एक जॉइंट डिपेंडेंसी है जिसमें मैं फर्स्ट टू का प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टू का प्रोजेक्शन कर रहा हूँ और फर्स्ट एंड थर्ड का हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और तीनों का अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिल जा रहा है। दैट मीन्स दिस रिलेशन हैज एन जॉइंट डिपेंडेंसी जेडी ऑफ R1 R2 R3, बट नन ऑफ R1 R2 एंड R3 आर दी सुपर की ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कल जो मैंने आपको बताया था कि इसमें इन दोनों कॉम्बिनेशन है तो उस केस में तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर मैंने रिलेशन बनाया है इसमें आखिरी की दो रोज मेरे से ओमिट हो गई थी। ठीक है, वो मैंने अब डाल दी है। अब अगर इन तीनों का ज्वाइन करेंगे तो आपको ये 7 रोज क्या होंगी मिलेंगी। ठीक है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इट हैज ए जॉइंट डिपेंडेंसी जेडी ऑफ R1, R2 एंड R3 एंड नो RI, दैट मीन्स न तो R1, न तो R2, न तो R3 में जो एट्रीब्यूट्स है मेरा सुपर की है। ठीक है, सुपर की जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एस नेम पार्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं R1, R2, R3 में, तो अब ये मेरे क्या हो जाएंगे, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि अब इसमें कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी न तो R1 में कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी है, न तो R2 में कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी है, न तो R3 में कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी है। अगर मैं R1 की बात करूं तो पाई ऑफ एस नेम फ्रॉम R1 नेचुरल ज्वाइन, पाई ऑफ पार्ट नेम फ्रॉम R1 अगर मैं करूं तो ये मेरा क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करेगा क्योंकि एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे एस नेम है, यहाँ पर पार्ट नेम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये R1 के इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, R1 के इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं है, इसमें भी कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं है, इसमें भी कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं है। सो दिस इंप्लाइज R1 R2 एंड R3 इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? अब इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मींस ब्रेकिंग अ रिलेशन इनटू टू और मोर रिलेशंस। R1 R2 एंड R3 में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं दैट मींस दिस इज माय डिकम्पोजिशन, मैंने क्या किया, डिकम्पोज किया R1 R2 एंड R3 में। ठीक है, अब जब भी मैं नॉर्मलाइजेशन करता हूं तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन में लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन इज एन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अ रिलेशन इनटू टू और मोर रिलेशंस। ठीक है, तो मतलब डिकम्पोजिशन मुझे करना ही है, तो डिकम्पोजिशन करना है
तो जब भी डिकम्पोजिशन करूं उसके कुछ प्रॉपर्टीज मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन, लॉसलेस जॉइंट डिपेंड, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ठीक है। तो ये आपको डिकम्पोजिशन के डेफिनेशन बता रहा है कि डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग द रिलेशन स्कीमा इनटू स्मॉलर स्कीमा, वी कॉल्ड इट एज स्कीमा रिफाइनमेंट। सो अल्टरनेटिव नेम ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्कीमा रिफाइनमेंट, हम अपने स्कीमा को क्या कर रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर ऑफ ए बी C, D, E, F, G is split into R1 of A, B, C, D and R2 of E, F, G. So we can say R1 and R2 are the decompositions of R. Clear? अब जब भी मैं decompose करता हूँ, so it should satisfy all the three properties: attribute preservation, lossless joint decomposition and dependency preservation. One by one देखते हैं. First one is attribute preservation. So if R1 and R2 are projections of some relation capital R into R1 and R2, between them include all attributes of R. मतलब अगर मैं R of A, B, C, D को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ R1 and R2 में, जिसमें R2 में मेरे पास A and B है, R2 में मेरे पास C and D है, या A, C and D है, या B, C and D है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें सारे एट्रीब्यूट कवर हो जा रहे हैं। मतलब R1 and R2 अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास सारे एट्रीब्यूट R के कवर हो जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस डिकम्पोजिशन R1 and R2 इज एन एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। वेयर एज अगर मैं लिखता हूँ R ऑफ A, B, C, D is decomposed into R1 of A, B, C and R2 of A, C, ठीक है। So this is not my attribute preserving decomposition because D जो है वो D न तो इसमें है न तो इसमें है, so D किसी में प्रिजर्व नहीं हो रहा है, न इसमें न इसमें, so this is not my dependence, sorry, attribute preserving decomposition, ठीक है। मतलब जब भी मैं डिवाइड करूं तो जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट जो मेरे रिलेशन में एट्रीब्यूट थे वो किसी न किसी रिलेशन में जाने चाहिए, ठीक है। अब एक रिलेशन में भी जा सकता है, दो रिलेशन में भी जा सकता है, तीन रिलेशन में भी जा सकता है, क्लियर है। जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक ही रिलेशन में रहे, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दो रिलेशन में भी रह सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन, क्लियर है। सेकेंड हम देखते हैं लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, which is very important topic, ठीक है। So important क्यों है, क्योंकि जब भी हम decomposition करते हैं तो हमें सबसे पहले तो attribute preserve करना ही है, second essential property जो है वो है lossless joint decomposition। मतलब जब भी मैं divide करूं तो मेरा lossless joint decomposition ही रहना चाहिए, मतलब कोई भी information loss नहीं होनी चाहिए, clear। So we say that the decomposition of R into R1 with attribute set x1 and R2 with attribute set x2, that means R of x दिया है मेरे को, इसको मैं decompose कर रहा हूँ R1 of attribute set x1 and R2 of attribute set x2, is lossless joint decomposition if and only if by joining R1 R2 we get back the original relation capital R. That means if I join R1 with R2 when I perform natural join of R1 and R2, I will get original relation R. So this is my lossless joint decomposition. Clear? So the word lossless means loss of information, not loss of tuples. Okay? So tuples loss of information matlab टुपल्स लॉस नहीं होनी चाहिए, टुपल्स एक्स्ट्रा भी अगर हो जाती हैं तो भी मेरी इंफॉर्मेशन लॉस होगी, ठीक है। उन टुपल्स को हम बोलते हैं स्पूरियस टुपल्स, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी डिकम्पोजिशन कर रहा हूं और उस डिकम्पोजिशन को ज्वाइन करने के बाद मुझे ओरिजिनल रिलेशन नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल रिलेशन से ज्यादा रोस मिल रही है, तो उसको बोलूंगा मैं लॉसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो हो रही है क्या हो रही है, लॉस हो जा रही है, मतलब उसको बोलूंगा लॉसी डिकम्पोजिशन क्योंकि इंफॉर्मेशन लॉस हो जा रही है, क्लियर। और उस लॉसी इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि कुछ स्पूरियस टपल्स जनरेट होंगी
जो क्या करेगी, मेरी इंफॉर्मेशन क्या करेगी, लॉस करेगी। क्लियर। अब आ जाते हैं दो एल्गोरिथम। पहला एल्गोरिथम हम देखते हैं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि मेरा जो पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है कि नहीं। सो एल्गोरिथम बोलता है कि लेट आर बी अ रिलेशन विद एट्रीब्यूट सेट एक्स, एफ इज इन सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दैट होल्ड ओवर आर। मतलब मेरे को एक रिलेशन दिया है आर विद एट्रीब्यूट सेट एफ सॉरी एस, और एक दिया है मुझे सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ इज इक्वल टू सम डिपेंडेंसीज, मुझे क्या किया दिया है। फिर बोलता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ आर इंटू आर वन एंड आर टू विद एट्रीब्यूट एक्स वन एंड एस टू। मतलब इसको मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ आर वन ऑफ एक्स वन एंड आर टू ऑफ एक्स टू, ठीक है। इस लॉसलेस join if and only if f plus contains either x1 intersection x2 determines x1 or x1 intersection x2 determines x2. That means the common attribute between x1 and x2 is the key for either r1 and r2. ठीक है, मतलब x1 और x2 का अगर मैं intersection निकालूं तो जो मुझे common attribute मिलेगा वो या तो x1 को डिटरमाइन करे पूरी तरह या तो x2 को डिटरमाइन करे पूरी तरह, ठीक है। मतलब या तो वो r1 की हो जाए या तो वो r2 की हो जाए, तब मैं बोलूंगा कि वो मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो क्या है, वो मेरा डिकम्पोजिशन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है, अदरवाइज वो मेरा क्या होगा, लॉसी डिकम्पोजिशन। क्लियर है। सेकेंड एल्गोरिथम देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट एल्गोरिथम था। सेकेंड एल्गोरिथम देखते हैं हम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जनरेट कर रहे हैं कि कौन सा लॉसलेस डिकम्पोजिशन मेरा होना चाहिए। जिसमें बोलता है कि इफ एंड फंक्शन डिपेंडेंसी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे, एक्स डिटरमाइंस वाई है ये, ठीक है। इफ एंड फंक्शन डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई होल्ड्स ओवर अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल आर एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इज एम्प्टी, सो दिस इज नथिंग बट बाई सेइंग एक्स इज एन सुपर सेट ऑफ वाई, ठीक है। मतलब मेरा जो डिपेंडेंसी होना चाहिए वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, ट्रिवियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब x is not an superset of y, ये आपको बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स कि x intersection y is empty, दोनों आपका जो है सेम इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। फिर बोलता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल R into R minus y and xy is lossless, मतलब जो मुझे डिपेंडेंसी मिल रही है एक्स वाई, उसको एक मैंने एक रिलेशन में बनाया और दूसरे रिलेशन मैंने आर माइनस वाई रखा, तो वो दोनों रिलेशन मेरे क्या हो जाएंगे, लॉसलेस रहेंगे। क्लियर है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द रिलेशन स्कीमा कैपिटल आर ऑफ ए बी सी विद फंक्शन डिपेंडेंसीज ए बी डिटरमाइंस सी एंड सी डिटरमाइंस बी। द रिलेशन इज नॉट इन बी सी एन एफ, नहीं है, क्योंकि इसमें दो मेरे पास की मिल रही है, एक तो मिल रही है मुझे ए बी, एक मिल रही है मुझे ए सी, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोग बीसीएनएफ के डेफिनेशन में देख चुके थे। तो मेरे को दो पर्टिकुलर कैंडिडेट कीज मिल रही हैं, एक मिल रही है ए बी, एक मिल रही है ए सी, एंड सी डिटरमाइंस बी में सी मेरा क्या है, कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। सो द डिकम्पोजिशन इज नॉट इन बीसीएनएफ, सो वी डिकम्पोज दिस रिलेशन इन टू आर वन ऑफ ए सी। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक प्रॉब्लम मिल रही है सी डिटरमाइंस बी, तो मैं सी एंड बी को एक रिलेशन में क्रिएट किया, और आर माइनस वाई, आर माइनस वाई मीन्स बी छोड़कर जो बचा वो मिला बचा ए सी। सो दिस डिकम्पोजिशन इज एन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन बिकॉज बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई मेरा एम्प्टी मिलेगा, तब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई और आर माइनस वाई में डिवाइड करूंगा। यहां मुझे ये एम्प्टी मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई मतलब बी सी और आर माइनस वाई मतलब ए सी में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये लॉसलेस है कि नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो आर वन में जो एट्रीब्यूट है वो है ए एंड सी, ठीक है। इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं मैं किसका, बी एंड सी। आर टू में जो एट्रीब्यूट है, तो मुझे कॉमन एट्रीब्यूट जो मिल रहा है वो मिल रहा है सी, ठीक है। और सी मुझे क्या मिल रही है, आर टू की मिल रही है, क्यों, क्योंकि सी में जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी मेरे पास सी डिटरमाइंस बी, ठीक है। क्योंकि सी डिटरमाइंस बी से ही मैंने क्या किया, आर टू क्रिएट किया है, तो इसमें जो डिपेंडेंसी है वो सी डिटरमाइंस बी, मतलब सी मेरा क्या हो जाएगा, इसमें कैंडिडेट की हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो मेरी की मिल रही है R2 की, ठीक है, R1 की वो की नहीं है क्योंकि R1 में जो की है वो AC है, कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड C, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल रिलेशन में भी AC और AB की थी, तो AC मेरा क्या आ रहा है इसमें की में यहां पर प्रिजर्व कर रहा है, क्लियर है। सो द डिकम्पोजिशन इज एन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड इंसेंशियल प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, ठीक है। सो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के लिए क्या कंडीशन है कि इफ आर इज डिकम्पोज इन टू एक्स वाई एंड जेड एंड वी इनफोर्स द फंक्शन डिपेंडेंसीज दैट होल्ड ऑन एक्स वाई एंड जेड देन ऑल फंक्शन डिपेंडेंसीज दैट वेर होल्ड ऑन रिलेशन स्कीमा कैपिटल आर मस्ट ऑल्सो होल्ड। मतलब अगर मुझे एक रिलेशन दिया है कैपिटल आर विथ सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विथ सम सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज, ठीक है, और इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं दो या तीन रिलेशन में, मैं इसको एक्स वाई और जेड में अगर डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर जो एफ एक्स मिलेगा मुझे, यहां पे जो एफ वाई मिलेंगे मुझे, और यहां पे जो सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज जेड में मिलेंगे, अगर मैं इन पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी का अगर मैं यूनियन निकालूं और मुझे ओरिजिनल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज जो ओरिजिनल रिलेशन में थी वो मिल जा रही है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरा क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। मतलब सारे की सारी फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी उसमें प्रिजर्व हो रही है, क्लियर है। सो द डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन कैपिटल आर विद फंक्शन डिपेंडेंसीज कैपिटल एफ इज डिकम्पोज इन टू आर वन एंड आर टू इज सेट टू बी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ आर वन यूनियन एफ ऑफ आर टू प्लस इज इक्वल टू एफ प्लस। मतलब जितनी डिपेंडेंसीज आर वन और आर टू में जा रही हैं उनका अगर मैं यूनियन निकाल के उनका जो क्लोजर निकालूंगा तो मेरा ओरिजिनल जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसके क्लोजर के इक्विवेलेंट आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों क्लोजर मेरे इक्विवेलेंट आने चाहिए, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इफ वी टेक द डिपेंडेंसीज ऑफ एफ आर वन एफ आर टू कंप्यूट द क्लोजर ऑफ देयर यूनियन वी गेट बैक द ओरिजिनल फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ, ठीक है। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल, तो पहला एग्जांपल देख रहे हैं, कंसीडर द रिलेशन कैपिटल आर ऑफ ए बी सी डी विद फंक्शन डिपेंडेंसीज ए डिटरमाइंस बी एंड ए डिटरमाइंस सॉरी सी डिटरमाइंस डी। नाउ दिस इज डिकम्पोज इनटू आर वन ऑफ ए बी एंड आर टू ऑफ सी डी। अब चेक कर रहे हैं कि ये मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं, तो यहां पर ए डिटरमाइंस बी प्रिजर्व हो रही है और यहां पर सी डिटरमाइंस बी प्रिजर्व हो रही है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का मैं क्या करूं, अगर इन दोनों का मैं यूनियन निकालूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन की फंक्शन डिपेंडेंसीज मिल जाएगी। दैट मींस ये मेरा क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है, क्लियर है। अब इसमें आ जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू अ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ such that the resulting relation are in 3NF. मतलब मैं ऐसे decompositions create कर सकता हूँ जो dependency preservation हो और 3NF में हो, ठीक है। But in general there may not be a dependency preserving decomposition that also decomposes relation into BCNF. Clear है? For example, आपको एक रिलेशन दिया है आर ऑफ ए बी सी विथ फंक्शन डिपेंडेंसीज ए बी डिटरमाइन सी एंड सी डिटरमाइन बी। नाउ दिस रिलेशन इज इन 3NF बट इट इज नॉट इन BCNF। व्हाई? बिकॉज सी डिटरमाइन बी एंड सी इज नॉट द कैंडिडेट की, सो दिस रिलेशन इज नॉट इन BCNF। अब मैं इसको डिकम्पोज करता हूं तो मुझे एक मिलेगा बी कॉमा सी आर वन ऑफ बी कॉमा सी with CS candidate key and R2 of R minus Y. R minus Y means R minus B. तो बचेगा आपका A comma C, ठीक है। तो A comma C मतलब B से जो C determines B है ये तो मेरी preserve हो रही है, लेकिन A B determines C मेरी कहीं पे भी preserve नहीं हो रही है, clear है। तो BCNF decomposition जो है वो मेरे lossless तो होंगे क्योंकि वो property मुझे satisfy करनी ही है, ठीक है। कभी भी मैं अगर कोई पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन करता हूं किसी नॉर्मल फॉर्म में तो मेरा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन तो होना ही चाहिए, इसेंशियल प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट प्रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए, इसेंशियल प्रॉपर्टी है। थर्ड इसेंशियल प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन,
बट अगर मैं बीसीएनएफ में डिकम्पोज करता हूं तो कभी कभी वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर भी सकता है और कभी वो नहीं भी कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिलेशन क्रिएट करूं कैपिटल आर ऑफ ए बी सी एंड डी विथ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ इज इक्वल टू ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो की मुझे मिल रही है ए, ठीक है, क्योंकि ए से बी, बी से सी, तो ए से सी मिल जाएगा, ठीक है, ए से सी, सी से डी है तो ए से डी मिल जाएगा, मतलब ए मेरी कैंडिडेट की हो गई। तो मेरे पास दो पार्शियल डिपेंडेंस, सॉरी दो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैं, बी डिटरमाइंस सी एंड सी डिटरमाइंस डी। तो जब मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ 3NF में तो मुझे मिल रहा है ए बी, बी सी एंड सी डी, तीन रिलेशन मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको BCNF में डिकम्पोज करता हूँ, ठीक है, तो BCNF में मुझे कौन सा पर्टिकुलर वायलेशन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है बी डिटरमाइन सी, ठीक है, तो बी डिटरमाइन सी मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बना दे रहा हूं BC, पहला रिलेशन मैंने बनाया BC, दूसरा रिलेशन मैं बना रहा हूं कि R माइनस सी, R माइनस सी मीन्स A B एंड D, क्लियर, A B एंड D। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिर से इसमें मैं अगर डिपेंडेंसीज निकाल के देखूं तो यहां मुझे बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी से बी डिटरमाइन डी मिल रहा था, मतलब यहां पर अभी भी की मेरी ए है, यहां पर मेरी की जो है वो बी है, अब यहां पे की जो मेरी ए है लेकिन अभी भी मुझे बी डिटरमाइन डी मिल रहा है, तो अभी भी बीसी ने प्रॉपर्टी को ये वॉलेट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड डिपेंडेंसी लूंगा यहाँ पे मैं बी एंड डी, ठीक है, और थर्ड मैं लूंगा जिसमें मैं लूंगा ये हो जाएगा मेरा R2, थर्ड में मैं कह लूंगा कि R माइनस डी, R माइनस डी मेरा बचेगा A कॉमा B, ठीक है। तो अब हम देखें A डिटरमाइंस B मेरा प्रेजर हो रहा है इसमें, B डिटरमाइंस C मेरा प्रेजर हो रहा है इसमें, अब हमको चेक करना है कि C डिटरमाइंस B प्रेजर हो रहा है कि नहीं, तो इसमें जो है वो है B डिटरमाइंस D, ठीक है। अगर मैं तीनों का यूनियन करूं, मेरे पास जो जो है यहाँ पर A determines B है, तो मैं यहाँ पे A determines B लिख देता हूँ, ये मुझे मिल रहा है R3 में, ठीक है, R1 में मुझे मिल रहा है B determines C, और इसमें मुझे मिल रहा है B determines D, ठीक है, मतलब ये तीनों का मेरा क्या हो गया, मैंने क्या निकाला, तीनों का यूनियन निकाला है, ठीक है। अब इसमें क्या मैं प्लस निकाल रहा हूँ, प्लस निकाल रहा हूं मतलब मैं अब इनका क्या कर रहा हूं, इनके क्लोजर का क्या कर रहा हूं मैं, इसके डिटरमिनेंट से मैं क्लोजर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है ए प्लस, ए प्लस इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है ए, ए से मुझे बी मिल जाएगा, बी से मुझे सी मिल जा रहा है, बी से मुझे डी भी मिल जा रहा है, ठीक है। मैं निकाल रहा हूं बी प्लस, तो बी प्लस इज इक्वल टू मुझे मिल जा रहा है बी, फिर बी से मुझे मिल जा रहा है सी, सी सी से मुझे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बी माइनस सी मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं A determines B, B determines D से मुझे A determines D भी मिल रहा है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि B C और B से मुझे D भी मिल जा रहा है, तो यहाँ पे B B plus में मेरा B C और D आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या मिल रहा है, क्लोजर मिल रहा है। अब मैं इसका क्लोजर निकालूं तो इसका क्लोजर मुझे A determines A plus B plus C plus निकालेंगे, तो A plus मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल जा रहे हैं A B C D, B प्लस निकाल रहा हूं तो मुझे मिल जा रहा है B प्लस इज इक्वल टू B, B से मुझे C मिल जाएगा, C से मुझे D मिल जाएगा, ठीक है। C प्लस निकाल रहा हूं तो C प्लस इज इक्वल टू C, C से मुझे D मिल जा रहा है, ठीक है, ये मुझे मिल जा रहा है इसका क्लोजर, ठीक है। अब मुझे यहां पर दोनों को चेक करना है, तो यहां मैंने C प्लस निकाला तो मुझे यहां भी C प्लस निकालना पड़ेगा, तो यहां मैं C प्लस निकाल रहा हूं तो C प्लस इज इक्वल टू C, ठीक है। अब C से मुझे D मिल रहा है क्या, मुझे वो चेक करना है इसमें, इनमें से, ठीक है, तो C से मुझे D मिल रहा है क्या, तो यहां पर हम देखें B determines C है, B determines D है, तो जहां पे B लिखा है मैं वहां C लिख सकता हूं क्या, C determines D हम लिख सकते हैं यहां पर नहीं, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
क्लियर है? सो सी डिटरमाइंस डी इज आल्सो, तो अगर इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का चेक कर रहा हूँ, तो ये मेरे क्या हो जा रहे हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन में आ जा रहे हैं। कौन से? ए बी बी सी एंड सी डी। ठीक है, ए बी बी सी एंड सी डी आएंगे। यहाँ पर मैंने ए बी बी डी लिखा है, यहाँ पर आना चाहिए बी सी। ठीक है, तो बी सी के लिए मुझे पहले कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी सी डिटरमाइंस ए। ठीक है, तो सी डिटरमाइंस ए लेंगे तो यहाँ पर ए सी क्रिएट होगा। काम करते हैं, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्लियर किया तो मेरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या था? ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी। ठीक है, कौन सा मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था? बी सी एन एफ को, तो बी डिटरमाइंस सी और सी डिटरमाइंस डी, और बी डिटरमाइंस डी भी था एक, है ना, ये भी मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो क्लोजर निकाला मैंने तो बी सी डी मुझे मिला, बी डिटरमाइन सॉरी बी प्लस में मुझे सी डी मिल जाएगा। तो मुझे एक डिपेंडेंसी मिल रही है बी सी डिटरमाइन डी, तो मैं एक क्रिएट करूंगा बी सी एंड डी। ठीक है, दूसरे में मैं क्या करूंगा, सी डी हटा के जो बचेगा वो बचेगा मेरा ए एंड बी। तो ए डिटरमाइन बी मेरा प्रिजर्व हो रहा है किसमें, इसमें, इस आर टू में। अब इस आर वन में मैं देखूं तो इस आर वन में मेरे पास बी डिटरमाइन सी डी था और सी डिटरमाइंस डी भी है, तो सी डिटरमाइंस डी अभी भी बी सी एफ में नहीं है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको सी और डी में डिवाइड करूंगा। जब मैं सी और डी में डिवाइड करूंगा तो डी हट जाएगा, तो ये बचेगा बी सी। ठीक है, बच्चा जो बचेगा मेरा बी सी, क्योंकि डी हटाऊंगा इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा बी सी। तो अगेन तीन रिलेशन में डिवाइड हो रहा है, सी डी बी सी एंड ए बी, तीनों डिपेंडेंसी मेरी क्या हो रही थी, प्रिजर्व हो रही। क्लियर? सो BCNF डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर भी सकता है, लेकिन BCNF डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं भी कर सकता है। क्लियर है? तो वो कब नहीं करेगा, वो यही एक कंडीशन है जिसमें वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं मिलेगा। सो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ 3NF डिकम्पोजिशन विच इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एज वेल एज लॉसलेस, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, समटाइम इट इज पॉसिबल, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू create a BCNF decomposition which is dependency preserving, but it is lossless joint decomposition. Always it is lossless joint decomposition. क्योंकि मुझे lossless वाली property को क्या करना है, maintain करना ही है. Clear है? अब अगर मैं industry point of view से देखूँ, तो industry point of view से मुझे कहाँ तक decomposition करना चाहिए? ठीक है? तो एक question आया भी था ऐसा कि मुझे कहां तक डिकम्पोजिशन इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इंडस्ट्री में 3NF तक यूज होता है, क्योंकि 3NF में ही आपको तीनों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, कि जो एट्रीब्यूट प्रिजर्विंग भी है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है और लॉसलेस भी है। ठीक है, BCNF में क्या है कि कभी कभार डिपेंडेंसी आपकी जो है वो प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है, तो BCNF को इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, BCNF यूज किया जाता है उस केस में कि जब मैं 3NF पे डिकम्पोज कर रहा हूं तो BCNF में भी डिकम्पोज हो जा रहा है। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री में आपका 3NF तक ही हो रहा है, क्योंकि उसमें तीनों के तीनों प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन कर रहा है। क्लियर है? तो तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज दैट वी डिकम्पोज रिलेशन स्कीमा कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी डी ई इंटू ए बी सी एंड ए डी ई, शो दैट दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन if the following set functions dependency set f holds. ठीक है, और function dependency sets क्या दिए आपको, f is equal to, ये दिया आपको a determines b c, c determines e, b determines d, e determines a. अब आपको शो करना है कि अगर मैं r1 of a b c and r2 of a d e में अगर इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये मेरा क्या होना चाहिए, ये मेरा हो जाना चाहिए लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो की प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैंने R1 लिया, इसको मैंने R2 लिया, तो R1 की क्या है, R2 की क्या, मुझे निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना है R1 इंटरसेक्शन R2, ये मेरा R1 को या R2 को डिटरमाइन करना चाहिए। ठीक है, या तो R1 को करे, या तो R1 इंटरसेक्शन R2, मेरे पास R2 की मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकी कीज प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं निकाल रहा हूं इनमें से कौन कौन सी कीज हैं। ठीक है,
तो इसका मैंने निकाल के दिखाया था, मैं फिर से निकाल लेता हूं। सुपर की मेरे को मिल रही है ABCDE, एसेंशियल एट्रीब्यूट मुझे एक भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे के सारे एट्रीब्यूट मेरे राइट हैंड साइड में है। तब मुझे निकालना पड़ेगा ए प्लस, पहले डिटरमिनेंट का मैंने निकाला तो ए प्लस इक्वल्स टू ए बी सी, ए से मुझे बी सी मिल जा रहा है, बी से मुझे डी मिल जा रहा है, सी डी से मुझे ई मिल जा रहा है, दैट मीन्स ए इज द कैंडिडेट की। फिर मैं निकाल रहा हूँ सी डी प्लस, सो सी डी प्लस इक्वल्स टू सी डी, सी डी से मुझे ई मिल जा रहा है, ई से मुझे ए मिल जा रहा है, ए से मुझे बी सी मिल जा रहा है, सो सी डी इज ऑल्सो द कैंडिडेट की। नाउ फाइंड आउट बी प्लस, सो बी प्लस इज इक्वल्स टू बी, बी से मुझे डी मिल जा रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। नाउ फाइंड आउट ई प्लस, सो ई प्लस इज इक्वल्स टू ई, ई से मुझे ए मिल जा रहा है, ए से मुझे बी सी मिल जा रहा है, ठीक है, और बी से मुझे डी मिल जा रहा है, दैट मीन्स ई इज ऑल्सो द कैंडिडेट की। नाउ बी जो है वो डिटर्मिनेंट पे है, मतलब बी के कॉम्बिनेशन को ट्राई करूंगा, तो बी कॉम्बिनेशन ए से ट्राई नहीं करूंगा, बी कॉम्बिनेशन में सी से ट्राई करूंगा, बी कॉम्बिनेशन में डी से ट्राई करूंगा। तो मैं निकाल रहा हूँ बी सी प्लस, सो बी सी प्लस इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, बी से मुझे डी मिल जाएगा, सी डी से मुझे ई मिल जाएगा, ई से मुझे ए मिल जाएगा, सो बी सी इज ऑल्सो द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। नाउ ट्राई द कॉम्बिनेशन ऑफ बी डी प्लस, सो बी डी प्लस इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, अब बी डी से बी से मुझे डी मिल रहा है, डी से मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट माई कैंडिडेट की। सो ओरिजिनल रिलेशन में जो की थी वो क्या थी, ए ए सी डी बी सी एंड ई, मेरे पास क्या है, चार कैंडिडेट कीस हैं, ठीक है। अब इनमें अगर मैं देखूं तो इसमें की मुझे मिल रही है या तो ए या तो बी सी, ठीक है, मतलब ए डिटरमाइन बी सी यहां पर था तो यहां पे भी होगा ही होगा, दैट मीन्स ए मेरी की हो गई, दैट मीन्स बी सी डिटरमाइंस ए अगर यहां मिल रहा है तो बी सी डिटरमाइंस इसमें भी, ए इसमें भी होगा, दैट मीन्स बी सी भी मेरी कैंडिडेट की है। इसमें अगर देखें तो ए डिटरमाइंस ए बी सी डी था तो ए की थी, तो इसमें भी ए डिटरमाइंस डी और ई तो रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली ई डिटरमाइंस ए बी सी डी ई है तो ई डिटरमाइंस ए और डी तो रहेगा ही, मतलब ई बी की हो गई, ठीक है। तो इसमें दो की है, एक तो ए है एक बी सी है, इसमें दो की है, एक तो ए है और एक ई है, ठीक है। और अब हम आर वन इंटरसेक्शन आर टू निकाल रहे हैं, तो आर वन इंटरसेक्शन आर टू मुझे मिल रहा है ए, ठीक है, एंड ए इज द कैंडिडेट की ऑफ बोथ द रिलेशंस, ठीक है। अगर एक का भी मिलता तो भी मेरा क्या रहता, आंसर आ जाता, लेकिन अभी जो है मेरे ये दोनों रिलेशन में मिल रहा है तो भी ये क्या हो रहा है, आंसर मेरा क्या है, लॉसलेस है, ठीक है। तो इसमें जो की मिल रही है वो है कैंडिडेट की, जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो ए है और ए इज द कैंडिडेट की ऑफ बोथ आर वन एंड आर टू। तो ये की आपको निकालने आना चाहिए, इसके लिए आपको ओरिजिनल रिलेशन में जो भी की निकल रही है उसको निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल रिलेशन में जो भी डिपेंडेंसीज निकल रही है वो भी आपको निकालनी पड़ेंगी, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, अब आपको R1 R2 चेंज कर दिया है, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है A B C, R2 की वैल्यू मिल रही है CD, आपको प्रूफ करना है कि this is not a lossless joint decomposition। तो ये आपके जो ये मिल रहे हैं ये सेम है, की जो है मेरी वो A है, एक तो B C है, एक CD है और एक E है, ये हमने अभी अभी निकाल के देखा, ठीक है। अब A और B C मेरी की यहाँ प्रिजर्व कर रही है, ठीक है, सी डी और ई की प्रिजर्व मेरी यहाँ कर रही है, मतलब इसमें जो की है वो ए और बी सी है, ठीक है, इसमें जो की है वो सी डी है और ई है, दो दो कैंडिडेट कीस हैं, पहले में ए और बी सी, दूसरे में सी डी और ई। अब मैं आर वन इंटरसेक्शन आर टू निकाल रहा हूं तो मुझे एट्रीब्यूट जो मिल रहा है वो मिल रहा है सी, ठीक है, एंड सी इज नाइदर द की ऑफ आर वन नॉर द की ऑफ आर टू, ठीक है, सो दिस डिकम्पोजिशन इज देन लॉसी डिकम्पोजिशन, इट इज नॉट अ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? एक बार और देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा है कि पहले तो मुझे की निकालनी पड़ेगी, की मैंने निकाली, इसकी जो की थी इस पर्टिकुलर रिलेशन की वो थी ए बी सी डी सी डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी में की जो मिलेगी ए मिलेगी, क्योंकि ए डिटरमाइंस ऑल दी एट्रीब्यूट्स है, तो ए अभी भी बी और सी को डिटरमाइन करेगा, तो ए मेरी की हो गई। सिमिलरली बी से डिटरमाइंस भी ऑल एट्रीब्यूट्स है, तो बी से डिटरमाइंस ए अभी भी मिल रहा है, तो बी सी भी मेरी कैंडिडेट की हो गई। इस रिलेशन में दो कैंडिडेट की है, एक तो ए और एक है बी सी,
इस पर्टिकुलर रिलेशन में देखें तो सीडी का कॉम्बिनेशन पहले भी सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा था, अभी भी सीडी का जो कॉम्बिनेशन है वो ई को डिटरमाइन करेगा, तो सीडी मेरी कैंडिडेट की हो गई। सिमिलरली ई भी जो है सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा था, तो ई भी मेरी कैंडिडेट की इस रिलेशन की थी, तो ई डिटरमाइन सीडी अभी भी मिलेगा यहाँ पर, तो ई मेरी की अभी भी है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो की है वो ए है, बी सी है, सी डी है और ई है। मैं अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ आर वन और आर टू में, तो ए बी सी मतलब मुझे मिल रहा है ए बी सी इंटरसेक्शन सी बी ई, ये मुझे मिल रहा है आर टू में, ये मुझे मिल रहा है आर वन में, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मिल रही है मुझे मिल रही सी, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर आर वन इंटरसेक्शन आर टू है, ये ना तो मेरा आर वन को डिटरमाइन कर रहा है, ना तो ये मेरा आर टू को डिटरमाइन कर रहा है। अगर किसी एक को भी अगर ये डिटरमाइन करता होता तो ये मेरा क्या होता, लॉसलेस होता। एक को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ना तो आर वन की है ना तो आर टू की है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन है, इट इज नॉट अ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि गिव अ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन इनटू बीसीएनएफ ऑफ स्कीमा कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी डी ई विद अ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ इज इक्वल टू ए डिटरमाइन बी सी, सी डी डिटरमाइंस ई, बी डिटरमाइंस डी, ई डिटरमाइंस ए। तो मुझे बीसीएनएफ में डिकम्पोज करना है और वो लॉसलेस भी होना चाहिए। तो बीसीएनएफ का जो डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम ने पढ़ा था वो ऑलरेडी लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम ही है, ठीक है। तो बीसीएनएफ के जो एल्गोरिथम ने पढ़े थे कि पहले मुझे की निकालनी पड़ेगी, तो की जो है वो की क्या है, इसमें कैंडिडेट की जो है मेरी अभी मैंने निकाली, इसमें ए है, सी डी है, बी सी है एंड ई है, ठीक है। और मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे कन्वर्ट करना है बीसीएनएफ में। सो ए डिटरमाइन बी सी लेफ्ट हैंड साइड इज द की, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है बीसीएनएफ को। सी डी डिटरमाइंस ई, सी डी इज द कैंडिडेट की, ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। बी डिटरमाइंस डी, बी इज नॉट द कैंडिडेट की, तो ये मेरा क्या है, बीसीएनएफ वायलेशन मिल रहा है मुझे। फिर ई डिटरमाइंस ए लेफ्ट हैंड साइड इज द कैंडिडेट की और सुपर की ऑफ दिस रिलेशन, तो लास्ट वाला भी मेरा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है बीसीएनएफ प्रॉपर्टी। जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो मुझे कर रहा है बी डिटरमाइंस डी। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्रिएट करूंगा आर ऑफ ए बी सी डी ई, और इसमें मैं क्या करूंगा, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम है बी डिटरमाइंस डी में। तो मैं बी और बी डिटरमाइंस डी को मैं एक साइड रखूंगा, ये मेरा बन जाएगा बी एंड डी, ठीक है। आर वन ऑफ बी एंड डी में डिकम्पोज हो गया ये। और आर टू में क्या लूंगा, मैं आर टू में मिलूंगा आर माइनस वाई, आर माइनस वाई मीन्स आर माइनस डी, आर माइनस डी मीन्स ए बी सी एंड ई, ठीक है, ए बी सी एन ई। तो ये मेरा हो गया आर वन ऑफ बी डी, आर टू ऑफ ए बी सी ई। सो आर वन ऑफ ए बी सी लिखा है, आर टू ऑफ बी डी लिखा है, ठीक है, उल्टा लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है लॉसलेस जॉइन। तो लॉसलेस जॉइन का जो एल्गोरिथम ने पढ़ा था कि एक्स डिटरमाइंस वाई मिल रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई एम्प्टी मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए बी डिटरमाइंस डी मिल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी कर रहा हूँ तो एम्प्टी मिल रहा है, एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक बी डी बनाऊंगा और एक बी आर माइनस डी बनाऊंगा। तो आर माइनस डी जो था वो था ए बी सी ई, ये मिल रहा है मुझे, और एक्स वाई बना रहा था तो मुझे मिल रहा है बी डी। तो ये मेरा क्या है, दोनों रिलेशन अब मेरे बी सी एन एफ में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ लॉसलेस जॉइन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF ऑफ दिस रिलेशन स्कीमा आर इज इक्वल टू ए बी सी डी ई विद अ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ इज इक्वल टू ए डिटरमाइन बी सी, सी डिटरमाइन ई, बी डिटरमाइन डी, ई डिटरमाइन ए। अब इस क्वेश्चन में आपको गिव बोल रहा है, मतलब आपको बनाना ही है, इसको डिकम्पोज करना ही है। अदरवाइज अगर ये इस पर्टिकुलर रिलेशन को चेक करूं विद दिस सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज, तो ये ऑलरेडी 3NF में है। कैसे है, उसके लिए मैंने क्या निकाली, मैंने कैंडिडेट की निकाली, तो कैंडिडेट की मुझे मिल रही है ए बी सी सी डी एंड ई, ठीक है, ए बी सी सी डी एंड ई कैंडिडेट की है।
तो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी ई। एक भी मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? मेरे पास एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो अगर एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑलरेडी इन 3NF। बट अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन 3NF में डिकम्पोज करना ही है। तो आप क्या कीजिए, आप निकालिए कैनोनिकल कवर FC। तो FC में आप देखिए किसी को रिमूव कर सकते हैं क्या, तो BC को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है अभी, ठीक है। BC को और भी लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी इस कवर में BC को A ही डिटरमाइन कर रहा है, E को भी सिर्फ यही एक ही डिटरमाइन कर रहा है, D को भी एक ही डिटरमाइन कर रहा है, E को भी एक ही डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। E डिटरमाइंस A, A डिटरमाइंस BC है, तो E डिटरमाइंस BC अगर होता तो मैं उसको रिमूव कर देता, क्योंकि वो रिडंडेंट FD होती है उसके इसमें। तो ऑलरेडी मेरा कैनोनिकल कवर निकला हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली पहला बना रहा हूँ ABC, दूसरा बना रहा हूँ मैं CDE, तीसरा बना रहा हूँ मैं BD, लास्ट बना रहा हूँ मैं EA, ठीक है। तो ABC, CDE, BD एंड EA इज द लॉसलेस जॉइंट एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF। तो जो 3NF का जो हमने एल्गोरिथम लिखा था कि पहले मुझे क्या निकालना है, कैनोनिकल कवर निकालना है, कैनोनिकल कवर के बाद जितनी डिपेंडेंसीज है उतनी मुझे क्या कर देना है, उसके मुझे उतने ही रिलेशंस क्रिएट कर देने हैं। और उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा था कि इफ नन ऑफ द रिलेशन प्रिजर्व द कैंडिडेट की, क्रिएट अ रिलेशन टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की। अगर हम देखें यहाँ पर जो कैंडिडेट कीज थी वो थी ए बी सी सी डी एंड ई। तो ए मेरा प्रिजर्व कर रहा है यहाँ पर, यहाँ ए की है, BC भी की है, यहाँ पर CD भी की है, यहाँ पर E भी की है। इसमें जो की है वो है B ओनली, क्योंकि B डिटरमाइंस D ही है इसमें सिर्फ। इसमें जो की है वो EB है और AB है, ठीक है, क्योंकि E डिटरमाइंस AB है और A डिटरमाइंस EB में कोई मिल रहा था उसमें। तो मेरी चारों कैंडिडेट की किसी न किसी रिलेशन में मेरी क्या हो रही, प्रिजर्व कर रही है। अगर प्रिजर्व नहीं करती तो मैं क्या करता हूँ, उनका रिलेशन क्रिएट करता, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। सो दिस इज द लॉसलेस जॉइन एज वेल एज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू 3NF। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन दिया है आर ऑफ ABCDE, डिपेंडेंसीज दिया है आपको, फिर से वही R1 R2 दिया है आपको, ABC ADE। अब आपको चेक ये शो करना है कि ये नॉट अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है, ठीक है, मतलब इसमें कोई ना कोई डिपेंडेंसी मेरी प्रिजर्व नहीं हो रही है। तो मैं ये निकाल रहा हूँ F, ये मुझे मिल रही है। अगर मैं इसमें F1 निकालूं, F1 प्रिडिक्ट करना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो F1 में मुझे क्या मिल रहा है, एक तो देखिए यहाँ पर मुझे मिल रहा है A की और यहाँ पे मिल रहा है BC की। तो A डिटरमाइंस BC लिख सकता हूं मैं, ठीक है, और BC डिटरमाइंस A लिख सकता हूं। F2 में अगर मैं निकालना चाहूं तो F2 में मुझे क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा A डिटरमाइंस DE, क्योंकि A मेरी की है, और एक मिलेगा मुझे E डिटरमाइंस DE, क्योंकि E भी मेरी कैंडिडेट की है। क्लियर है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, F1 यूनियन F2 का क्लोजर निकालूं और F का क्लोजर निकालूं, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर रहा हूं तो मुझे मिल रही है A डिटरमाइंस BC, A डिटरमाइंस DE, BC डिटरमाइंस A, E डिटरमाइंस DA, ठीक है। F प्लस मुझे मिल रहा है ये, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि A डिटरमाइंस BC को मैं इनमें से प्रिजर्व कर रहा हूँ क्या, तो ये प्रिजर्व हो रही है यहाँ पर। CD डिटरमाइंस E मेरा यहाँ पर प्रिजर्व हो रहा है क्या, तो CD का क्लोजर मैं निकालूंगा कहाँ पर, इनके रिस्पेक्ट में। तो CD का मैं क्लोजर निकाल रहा हूँ, तो CD प्लस इक्वल्स टू CD। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो C किसी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, नहीं। D किसी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, नहीं। तो CD डिटरमाइंस ओनली CD, मतलब ये CD डिटरमाइंस E इन दोनों फंक्शन डिपेंडेंसीज में प्रिजर्व नहीं हो रहा है। दैट मींस दिस इज नॉट माय डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी प्रिजर्व नहीं कर रही है। सिमिलरली B डिटरमाइंस DB, मैं B प्लस निकालता हूँ इनके रिस्पेक्ट में, तो B प्लस में निकाल रहा हूँ, B प्लस इज इक्वल्स टू B, ठीक है। अब B से और कोई डिटरमाइन हो रहा क्या, नहीं। जब तक C नहीं मिल रहा तब तक A नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अकेलौता B जो है वो किसी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो ये B डिटरमाइंस DB मेरा क्या हो रहा है, प्रिजर्व नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बन जाएंगे।
ये क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज दैट डिकम्पोज स्कीमा आर ऑफ ए बी सी डी ई इज डिकम्पोज इन टू आर वन ऑफ ए बी आर टू ऑफ बी सी आर थ्री ऑफ सी डी शो दैट दिस इज, यहाँ पे मैंने नॉट लिखा है, यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन डिपेंडेंसी सेट जो है वो एफ इज इक्वल्स टू ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, ए डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी, ठीक है। अब अगर मैं आर वन लेता हूं तो एफ वन में मुझे क्या मिल रहा है, एफ वन में मुझे मिल रहा है ए डिटरमाइंस बी, ठीक है। एफ टू में मुझे क्या मिल रहा है, एफ टू में मुझे मिल रहा है बी डिटरमाइंस सी, ठीक है। मतलब ये आर वन में प्रिजर्व हो रहा है, ये आर टू में प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है। एफ थ्री में मैं देखूं तो एफ थ्री में मुझे मिल रहा है सी डिटरमाइंस डी, ठीक है। अब इन तीनों का अगर मैं क्लोजर निकालूं यूनियन करके तो ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी से मुझे ए डिटरमाइंस सी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आर थ्री में रिफर हो रहा था और ये ए डिटरमाइंस सी, मैं इन तीनों को, इन तीनों से क्या कर रहा हूं, मैं डिराइव कर पा रहा हूं। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, क्लियर है। ये मैंने कॉपी पेस्ट के चक्कर में नॉट आ गया है, यहाँ पे नॉट आप हटा देंगे, ठीक है। सो दिस दिस डिकम्पोजिशन इनटू आर वन ऑफ ए बी, आर टू ऑफ बी सी एंड आर टू ऑफ सी डी इज ऑल्सो एन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन ऑफ दिस रिलेशन, क्लियर है। हाँ, अब यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट। Any doubt? ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे, जिसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी तीन आपको क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन मिल रहे हैं ए बी सी बी सी डी एंड डी ई। आपको चेक करना है कि ये लॉसलेस है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि अब मेरे पास जब तक दो रिलेशन थे तब तक मैं क्या कर रहा था, आर वन इंटरसेक्शन आर टू निकाल रहा था। अब मेरे पास तीन है, ये आर वन है, ये आर टू है और ये R3 है, ठीक है। तो ये R1, R2, R3 तीन है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा। एल्गोरिथम इसके लिए ये बड़ा सा एक एल्गोरिथम दिया है, ठीक है। तो हम इसको अगली क्लास में देखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। ये एल्गोरिथम पढ़ना है हमको, उसके बाद गेट क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को अगली क्लास में देखेंगे हम, गेट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कंसीडर स्कीमा कैपिटल आर ऑफ ए बी सी डी एंड फंक्शन डिपेंडेंसीज ए डिटरमाइंस बी एंड सी डिटरमाइंस डी, देन द डिकम्पोजिशन ऑफ आर इनटू आर वन ऑफ ए बी एंड आर टू ऑफ सी डी। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा, लॉसलेस होगा कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होगा, लॉसलेस होगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। चेक कर रहे हैं ए डिटरमाइंस बी जो है वो इसमें प्रिजर्व कर रहा है, सी डिटरमाइंस डी मेरा इसमें प्रिजर्व कर रहा है, मतलब ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आ गया, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब बी तो गलत हो गया, नॉट डिपेंडेंसी बी भी मेरा गलत हो गया। अब ये लॉसलेस है क्या, तो मैं निकाल रहा हूं आर वन इंटरसेक्शन आर टू, तो मुझे एक भी एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, मतलब आर वन इंटरसेक्शन आर टू ना तो ए का की मिल रहा है, मतलब ना तो R1 का की मिल रहा है ना तो वो R2 का की मिल रहा है। R1 की जो की है वो A है, R2 की जो की है वो C है। दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो एक भी एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, मतलब ये मेरा लॉसी डिकम्पोजिशन है, ये मेरा लॉसलेस नहीं है। सो आंसर इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस, ठीक है। तो क्या आएगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस जॉइन, सो आंसर इज सी, ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन नहीं है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्मल फॉर्म्स इज फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है मुझे, बीसीएनएफ इज स्ट्रिक्टर देन सीएनएफ, ये मेरा टू स्टेटमेंट है, क्योंकि बीसीएनएफ सीएनएफ का स्ट्रिक्टर नॉर्मल फॉर्म रहता है। सेकंड है लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू सीएनएफ इज ऑलवेज पॉसिबल, ये भी मेरा ट्रू है, मतलब CNF decomposition lossless तो होते हैं, dependency preserve भी करते हैं। थर्ड देखते हैं, lossless
डिपेंडेंसी प्रेजेंट फंक्शन इनटू बीसीएनएफ इज ऑलवेज पॉसिबल बोल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मे और मे नॉट पॉसिबल लिखता तो ये मेरा ट्रू होता, ऑलवेज लिखा है दैट मीन्स ये मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है। सो एक आंसर मुझे मिल गया है सी। अब और देखते हैं, एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज इन बीसीएनएफ, तो ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये रिलेशन, ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा ट्रू है। अगर दो एट्रीब्यूट है तो दोनों एट्रीब्यूट के जो रिलेशन है वो बीसीएनएफ में रहेंगे ही, क्लियर है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन कैपिटल आर इज डिकम्पोज यूजिंग सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज कैपिटल एफ एंड रिलेशन एस इज डिकम्पोज यूजिंग अनदर सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज जी। मतलब दो रिलेशन दिया है, एक तो दिया है आर जिसकी फंक्शन डिपेंडेंसी एफ है, एक दिया है एस जिसकी फंक्शन डिपेंडेंसीज जी है। अब बोलता है कि वन डिकम्पोजिशन इज डेफिनेटली बीसीएनएफ एंड अदर इज डेफिनेटली थ्री एनएफ, ठीक है। मतलब आर को डिकम्पोज किया उसने एफ में, एस को डिकम्पोज किया उसने विथ रिस्पेक्ट टू जी। एक डिकम्पोजिशन मेरा बीसीएनएफ में है, एक डिकम्पोजिशन मेरा थ्री एनएफ में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा में है, ठीक है। बट इट इज नॉट विच इज विच। अब बोलता है कि टू मेक अ गारंटीड आइडेंटिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी यूज्ड ऑन द डिकम्पोजिशंस। तो मुझे ये पता करना है कौन सा बीसीएनएफ में है, कौन सा थ्रीएनएफ में है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, ये मुझे पूछ रहा है। तो पहला बोल रहा है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। तो अगर मैं डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन लगाऊं तो थ्रीएनएफ तो हमेशा डिपेंडेंसी प्रिजर्व करते हैं, बीसीएनएफ डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिपेंडेंसी प्रिजर्व करने वाले टेस्ट को लगाऊं और वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं कि वो क्या बीसीएनएफ में नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर भी देता है तो ये मेरा जो टेस्ट है मेरा फेल हो जाएगा, ठीक है। लॉसलेस जॉइंट टेस्ट करूं तो ये भी फेल हो जाएगा क्योंकि बीसीएनएफ एंड थ्रीएनएफ बोथ द डिकम्पोजिशंस आर लॉसलेस, हमेशा लॉसलेस प्रॉपर्टी को तो हमें रखना ही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं बीसीएनएफ डेफिनेशन। तो बीसीएनएफ डेफिनेशन मेरा ट्रू है, क्यों, क्योंकि अगर मैं बीसीएनएफ डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं कि लेफ्ट हैंड साइड इज माई सुपर की ऑफ द रिलेशन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि कौन सा बीसीएनएफ में है, कौन सा मेरा थ्रीएनएफ में है। जो थ्रीएनएफ में होगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा एट्रीब्यूट मिलेगा मुझे जो मेरा क्या रहेगा कि वो मेरा की नहीं मिलेगा और वो पर्टिकुलर दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये मेरा थ्री एन एफ में मिल जाएगा लेकिन ये मेरा बी सी एन एफ में नहीं मिलेगा। तो इस टेस्ट से मैं पता कर पाऊंगा कि कौन सा मेरा थ्री एन एफ में, कौन सा मेरा बी सी एन एफ में। लेकिन अगर मैं थ्री एन एफ की डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो मैं नहीं पता कर पाऊंगा, ये भी मैं क्या होगा, फॉल्स होगा। सो ऑब्वियस आंसर इज बी सी एन एफ डेफिनेशन। अगर मैं बीसीएनएफ डेफिनेशन का टेस्ट लगाता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा 3NF में है, कौन सा मेरा बीसीएनएफ में है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि लेट द सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ इज इक्वल टू क्यू आर डिटरमाइंस एस, आर डिटरमाइंस पी, एस डिटरमाइंस क्यू, होल्ड ऑन रिलेशन स्कीमा एक्स इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, एक्स इज नॉट इन बीसीएनएफ। ये पहले ही बोल दे रहा है कि एक्स मेरा बीसीएनएफ में नहीं है, ठीक है। अब बोलता है सपोज एक्स इज डिकम्पोज इन टू टू स्कीमास वाई एंड जेड, वेयर वाई इज इक्वल टू पी आर, जेड इज इक्वल टू क्यू आर एस। और फिर बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो, बोथ वाई एंड जेड आर इन बीसीएनएफ, ठीक है। तो ये तो मेरा बीसीएनएफ में होगा, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, ये मेरा बीसीएनएफ में क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो ही एट्रीब्यूट है तो मेरा बीसीएनएफ में होगा ही होगा। तो चेक करते हैं, देखिए एक्स इज इक्वल टू मुझे मिला है पी क्यू आर एस, मतलब एक्स एक रिलेशन है जिसमें चार एट्रीब्यूट है पी क्यू आर एस, और मुझे जो डिपेंडेंसीज दी हैं वो दी हैं एफ इज इक्वल टू क्यू आर डिटरमाइंस एस, आर डिटरमाइंस पी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एस डिटरमाइंस क्यू, ये तीन डिपेंडेंसीज मुझे यहाँ पे क्या हो रही दी हैं। अब मैं यहाँ पे की निकालने की कोशिश करूं तो सुपर की मुझे मिल रही है पी क्यू आर एस, एसेंशियल एट्रीब्यूट में अगर मैं निकालूं तो एसेंशियल एट्रीब्यूट में देख रहे हैं तो एस पी एन क्यू हट जा रहा है, एस पी एन क्यू हट जाएगा तो एस पी एन क्यू हट गया तो मुझे बच रहा है आर, ठीक है। चेक वेदर आर इज एन कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन इज और नॉट, तो आर प्लस इज इक्वल टू आर, आर से मुझे पी मिल जा रहा है और कुछ भी एट्रीब्यूट मुझे नहीं मिल रहा है,
ठीक है, आर से मुझे पी मिल रहा है, पी से कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब मैं कॉम्बिनेशन ट्रैक करूंगा, तो कॉम्बिनेशन ट्रैक कर रहा हूं मैं पी का, सॉरी आर का, मैं आर का मैं पहले तो पी से ट्रैक करता हूं, ठीक है, तो मैं ट्रैक कर रहा हूं पी आर प्लस इजिकल्स टू पी आर, आर से मुझे पी मिल रहा है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पी से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सो दिस मीन दैट मीन्स जो पी आर है वो मेरा की नहीं है, ठीक है। अब आर का कॉम्बिनेशन मैं क्यू से ट्रैक करूंगा, तो क्यू आर प्लस निकालूंगा, तो क्यू आर प्लस इजिकल्स टू क्यू आर, अब आर से मुझे पी मिल जा रहा है, ठीक है, क्यू आर से मुझे एस मिल जा रहा है, दैट मीन्स क्यू आर इज माई कैंडिडेट की। फिर मैं आर का कॉम्बिनेशन ट्रैक कर रहा हूँ किससे, एस से, आर एस प्लस निकाल रहा हूं मैं, तो आर एस प्लस इजिकल्स टू आर एस, एस से मुझे क्यू मिल जा रहा है, आर से मुझे पी मिल जा रहा है, ठीक है, सो आर एस इज ऑल्सो द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। सो राइट डाउन द प्राइम एट्रीब्यूट्स, प्राइम एट्रीब्यूट्स आर आर क्यू एंड एस, ओनली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज आर, सॉरी पी, ओनली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज पी, ठीक है। एंड हम देखें कि ये BCNF में है क्या, तो QR determines S, QR determines S मेरा क्या था, BCNF को violate कर रहा था, sorry, QR determines S, BCNF को fulfill कर रहा है, क्योंकि QR मेरा super key है। R determines P, R determines P में R मेरा candidate key या super key नहीं है, तो ये violation है। Similarly, S determines Q, S determines Q को अगर हम देखें, तो S determines Q भी मेरा violation है, क्योंकि S मेरा super key नहीं है, clear है? अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेटमेंट को देख रहे हैं, बोथ y एंड z आर BCNF, तो y में क्या ले रहा है, PR ले रहा है, PR ले रहा है मतलब r determines p को ले रहा है, तो r determines p के लिए उसने क्या किया, PR किया, तो सेकंड जो रिलेशन मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, r minus p मिलेगा QRS, ठीक है, तो PR और QRS मेरा दोनों क्या होगा, BCNF में रहेगा, ठीक है। अब QRS में देखूं तो QR determines s है और s determines q है, अभी भी ये मेरा क्या है, BCNF में नहीं है, ठीक है, वाई तो मेरा BCNF में है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप करने के बाद मैं जेड में जा रहा हूं, तो जेड में मेरा क्या रहा है, क्यू आर एस मिल रहा है, ठीक है। अब क्यू आर एस में क्या हो रहा है, क्यू आर डिटरमाइंस एस और एस डिटरमाइंस क्यू मुझे अभी भी मिल रहा है, तो इस केस में अगर मैं की निकालूंगा तो मुझे क्यू आर का कॉम्बिनेशन और क्यू आर और आर एस का कॉम्बिनेशन मुझे अभी भी इसमें की मिल रही है, जिसमें एक डिपेंडेंसी मुझे अभी भी मिल रही है इसमें, एज डिटरमाइंस क्यू जो इसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। दैट मींस ये जो जेड है मेरा BCNF में नहीं है, वाई तो मेरा BCNF में है लेकिन जेड मेरा BCNF में नहीं है, पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ आर इनटू वाई जेड एंड वाई एंड जेड इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस, अब मुझे चेक करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस है कि नहीं, तो हम देखते हैं R determines P is preserved in Y, Z में मेरा QR determines S preserved हो रहा है और S determines Q भी preserved हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरा dependency preserving तो है ही। अब इन दोनों के बीच के attribute को मैं देखता हूँ कि इन दोनों में जो common attribute है वो मेरा key है क्या, तो PR और QRS में जो common attribute है वो R है और R is the candidate key of Y, क्योंकि इसमें जो dependency है वो dependency है R determines P, तो R determines P मतलब R मेरी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, तो मतलब ये मेरा लॉसलेस है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मेरा ट्रू है, तो सेकंड ट्रू है मतलब आंसर आ जाएगा C, क्लियर है, क्लियर है, किसी को डाउट है, एनी डाउट सर, लॉसलेस कैसे, हेलो सर, लॉसलेस कैसे, लॉसलेस कैसे है, लॉसलेस चेक करने के लिए हमने वाई और जेड का हमने क्या किया, इंटरसेक्शन निकाला, वाई इंटरसेक्शन जेड अगर मेरा या तो वाई को डिटरमाइन करे या तो मेरा जेड को डिटरमाइन करे, तो वाई इंटरसेक्शन जेड हम देखें तो यहाँ पर पी आर है, यहाँ पर क्यू आर एस है, दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो मेरा आर है, सो आर इज एन कैंडिडेट की ऑफ आइदर वाई और जेड, ठीक है, तो वाई की कैंडिडेट की क्या है, आर ही है, तो ये वाई को डिटरमाइन कर रहा है, एक भी प्रॉपर्टी को मेरी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मेरा लॉसलेस है, क्लियर है, और किसी को डाउट है, ये एल्गोरिथम हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।
जिसमें मल्टीपल अगर रिलेशंस हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि वो लॉसलेस है कि नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास छोड़ देता हूं। कोई डाउट नहीं है?